आपकी मदद की जरूरत है। तुम लोग हो कौन और ये सब कुछ क्यों जानना चाहते हो? आंटी, मैं ही वो बच्ची हूँ। मैं अपने असली माँ बाप तक पहुंचना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरी मदद करें। कहना क्या चाहती हो तुम? उसको अंदर ही रहने दो, जमानत ना करवाओ उसकी। लावारिस नहीं है वो, अभी उसका मामू जिंदा है। जब से तुम मिलकर गई हो मुझे सुकून नहीं आ रहा, बड़े बोझ से लदक गई हूँ। जब तक तुम्हें तुम्हारे माँ बाप नहीं मिल जाते ये बोझ रहेगा मुझ पर। तुम क्यों फिक्र करती हो? अरे मैं सब कुछ अपना दाव पे लगा देता इसको बाहर लाने के लिए, मेरा भी तो बेटा है। अल्लाह पाक मेरे भाई को बहुत सा दे, ये पुलिस वाले कमबख्त मारे तो किसी को भी उठा के ले जाते हैं। अब बताओ मेरा शिराज कहीं से चोर डकैत लगता है? और नहीं तो क्या भाई फाखरा, मुबारकबाद दो आपा को, शिराज घर आ गया है। जी जी, आपको बहुत मुबारक हो आपा। खैर मुबारक भाई। वसीम मिठाई का ऑर्डर दे दो, सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी मैं। अरे लोगों की नजरें भी तो लग जाती है ना। अब बताओ मेरे बच्चे की शादी होने वाली थी हरीम के साथ और ये कमबख्त माले पुलिस वाले उठा के ले गए उसको। क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे मिठाई का ऑर्डर भाई। सबको पता चलना चाहिए कि हमारा लड़का बेगुनाह है, हैं? और छोटा सा जख्म है आपा, हड्डी को गोली छू के गुजरी है, ज्यादा नुकसान नहीं हो। नहीं वसीम, जख्म तो गहरा है, जालिमों ने टांग पे गोली मार दी मेरे बच्चे को, हाथ टूटे इनके। बस घबराओ नहीं भाई शिराज, जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो जा, फिर मामला जहाँ छोड़े थे वहीं से शुरू करेंगे, इसकी और हरीम की शादी से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो चलो पानी गर्म करो, चलो जाओ, बस आराम से आराम से। संभाल के तू आज के बाद स्कूल जाएगी? हाँ मोना जी, अगर ये स्कूल जाएगी तो हम खाएंगे कहां से? उस्ताद जी, हम आज के बाद खुद ही कमाएंगे और खुद ही खाएंगे, लेकिन इस बच्ची को पढ़ाएंगे हम। और आज के बाद मोना के कोठे पे जो बच्ची भी आएगी ना, उसके पैरों में घुंघरू नहीं, उसके इन हाथों में किताबें होंगी। उस्ताद जी, बड़ी बदबख्त लोग हैं हम, अल्लाह ने हमें इतने मौके दिए हम किसी की जिंदगी बना सके, किसी की जिंदगी संवार सके, मगर नहीं, हम तो रहे सदा के बदबख्त। मगर उस गुरु को देखे, उसको एक मौका मिला और वो अपनी जिंदगी बना के और आखिरत भी संवार गया। कभी आपने सोचा कि मरियम को डॉक्टर बनाने में उसने कितनी मेहनत की होगी, कैसे उसको डॉक्टर बनाया होगा? मगर देख ले, वो आखिर में उसको डॉक्टर बना गया। Mm-hmm.
लेकिन वो तो ख्वाजा सिरा है, तो मुकम्मल जिन्स है ना। नहीं उस्ताद जी नहीं, इसमें बड़ा खसारा है, बड़ा खसारा है इसमें, ये सही नहीं है। और उस्ताद जी सबको बता देना इधर कि जिसने मेरे फैसले के मुताबिक यहां पे रहना है वो रहेगा इधर, और जो जाना चाहता है वो जाए, मगर मोना के कोठे पे आज के बाद जो बच्चा भी आएगा ना सिर्फ पढ़ेगा। हाँ तू पढ़ेगी ना। अंदाजन कितना टाइम लग जाएगा? मैडम देख तो रहे हैं, अब देखिए कितना टाइम लगता है, यहाँ तो फाइलें भरी पड़ी हुई हैं बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है बहुत मुश्किल, बल्कि समझे तो नामुमकिन ही समझे आप। आप प्लीज इस तरह हिम्मत तो नहीं हारे, सारे रैकेट यहीं पर हैं, अब थोड़ी मेहनत से देखेंगी तो मिल जाएंगे, और अगर आप नहीं कर सकती तो मुझे बता दें, मैं किसी और से कह। नहीं नहीं मैडम ये बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप देखें ना फाइल नहीं देखें कितनी है, आप थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा टाइम दें मुझे, मैं ढूंढ के निकाल दूंगी आपको। मैं रीना मैम को कहूँ वो आपकी हेल्प करते हैं? नहीं नहीं मैम, यहाँ पे फाइलों का इतना अनबार, ऊपर से इतनी गर्द जमी हुई है, वो उनका तो खास खास के बुरा हाल हो जाएगा, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। चले थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं मैम, ये इतनी पुरानी फाइल का आपने करना क्या है? बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, ठीक है? थैंक यू। आजकल ये वायरस बहुत फैला हुआ है, ठीक है? दवाइयाँ 3 टाइम खानी है, ये जो मैंने तीसरी दवाई लिखी है ये आपने सुन ले जरा, मेरी उल्टी सीधी बातों को आप कभी तवज्जो फरमाए, कर मेरी और रुखे मुलाकात कभी, तसव्वुर की दुनिया से सच में जरा बदले इस दास्तां को कभी, दे दे थोड़ी जगह अपने फ्यूचर में भी, मुझको दिल में बसा ले कहीं, सयारों सा आवारों सा भटके से दिल फिगारों सा, कब तक फिरूं मैं तेरे गिर्दो यारा, कभी तुम भी तो आ जाओ लेकर अपनी कहानी, बीती गुजरी पुरानी सुनाने मुझको यारा, कभी लाओ दिल को अपने गमों से खाली करके, ले जाओ मेरा गुल्लक खुशियों का जो है सारा। बाबा ने जो मेरे लिए कर दिया है ना सलाश, इट इज अनबिलीवेबल। ये फसानों और कहानियों में तो सुना था, लेकिन रियल लाइफ में भी। आई एम श्योर, तुम देखना एक दिन वो सब लोग उन्हें मान जाएंगे जिन्होंने तुम्हारे बाबा को तकलीफ पहुंचाई है। कोई माने या ना माने, बाबा ने वो कर दिया है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी की भी बातों से। मुझे पड़ता है फर्क। I mean, मामा को मानना होगा यार। तुम्हें पता है उस दिन के बाद से मैंने माँ से बात नहीं की, और ये खामोशी तब तक चलेगी जब तक मेरी बात सच्ची साबित नहीं हो जाती। मैं झूठ नहीं बोलूंगी सालार, लेकिन तुम्हारी मामा का रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और बाबा की इंसल्ट हो गई वो भी मेरी वजह से, ऐसा नहीं हो सकता।
बट मैं तुम्हारी मामा को भी नहीं ब्लेम कर सकती, क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी में लोगों को तोड़ने का एक यही तरीका है। रिकॉर्ड रूम से कोई अपडेट? नॉट येट। सलमान चाचू। हाँ आ रहा हूं। क्या हुआ, चाय बन रही है तुम्हारी, सबर नहीं है तुमको? मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि बाबा इतनी जल्दी क्यों सो गए? वो असल में बाजार गए थे ना दुकान का सामान लेने, जब ही थक गए होंगे। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ तबीयत ठीक है। सलमान चाचू एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये मैं मोना के कोठे पे जब गई थी तो बाबा मुझे वहां से वापस लेकर आए थे, तो मैं मोना के कोठे पर पहुंची कैसे थी? लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों जानना चाहती हो? जब सत्तार भाई तुम्हें घर लाए ना, उस दिन के बाद से रोज कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाती थी। सारे लोग उनके दुश्मन बन गए थे, सारे मोहल्ले वाले, लेकिन सत्तार भाई ने हार नहीं मानी। अभी बाहर के दुश्मनों से लड़ी रहे थे कि घर में दुश्मन खड़े हो गए। घर में कौन सलमान चाचू? थे कुछ लोग। तुम्हारे आने के बाद सत्तार भाई ने सारे घर का माहौल बदल दिया था, और पता है जो हम काम करते थे ना वो भी बंद करवा दिया था। हमारी सहेली थी बिजली और कशिश, कशिश को तो तुमने देखा है ना? तो शहजाद चाचू? वही। और एक बिजली भी थी, मगर वो पैसों की बहुत लालची थी, और एक दिन वो पैसों के लिए तुम्हें घर से ले गई। मैं और सत्तार भाई बाहर गए हुए थे, घर पहुंचे तो तुम घर पर नहीं थी। बिजली ने किसी के पैसे देने थे, उधार वापस करना था, इसलिए तुम वहां पहुंची। और पता है सत्तार भाई 2 दिन तक उस घर के बाहर बैठे रहे। बड़े जुल्म किए हैं मरियम दुनिया ने उन पे। क्या थाना, क्या कचहरी, मजदूरी, लोगों ने तो सत्तार भाई को मारा तक है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तुम्हें नहीं छोड़ा। और पता है तुमने डॉक्टर बनके उनकी मेहनत को कामयाब कर दिया। गुरूर हो तुम उनका, गुरूर। मैं चाय लेकर आता हूं। नौकरों की तरह काम ही करते रहो। बात सुनो, जरा शर्म नहीं आ रही ना कि बूढ़ी पुप्पो झाड़ू लगा रही है और तुम यहां से वहां टहलती फिर रही हो? नहीं पुप्पो, मैं अंदर की सफाई कर रही थी। आप छोड़े, मैं कर लेती। बस बस रहने दो भाई, कर रही सफाई कर रही थी। जाओ जाके शिराज को देखो, पानी पिलाओ उसे जाके, और नाश्ता बना के दो।
फूफो आप शराब को देख ले, मैं ये झाड़ू लगा दूँ। क्यों, मौत आ रही है तुम्हें? मेरे बीमार बच्चे को अगर पानी पिला दोगी तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी हो जाएगी क्या? ऐसी बात नहीं है फूफो। बस बस रहने दो, मैं खुद बना के दे दूंगी। अब यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, दफा होना यहाँ से। महारानियां बनी फिरती हैं, जैसी माँ वैसी बेटियां। सारी जिंदगी हमने तो यही देखा है, हम तो नौकर हैं इस घर में भाई, हमने तो करना है काम, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मिल गई तुम्हें फुर्सत, क्यों डरती रहती हो मुझसे? तुम्हें खाद हो रही जाऊंगा मैं? अच्छा क्या आ गई, बीमार की खबर लेना बहुत अच्छी बात होती है। क्या हो गया है, इधर दो। अरे भाई दो ना। क्या हुआ, क्या हो गया? वही हुआ जिसका डर था मुझे, मनहूस लड़की। तुम्हें तो पहले ही मौत आ रही थी, आखिर मुझे बता क्यों नहीं देती कि मेरे बच्चे ने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है? बताओ जरा मुझे क्या हुआ पापा, क्या क्या हो गया? ये देखो सिर्फ एक काम कहा था तुम्हारी लड़की से, वो भी ढंग से नहीं हुआ। अरे बताती क्यों नहीं हो, मेरे बच्चे ने आखिर तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है? क्लास गिर गया है, मैं समेट देती हूँ। नहीं बहन, ये देखो ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, मुझ पे और मेरे बच्चे पे ये एहसान ना करो। आने दो वसीम को, मैं सब बताऊंगी कि कैसे तुम और तुम्हारी बेटियां मेरे बच्चे के साथ दुश्मनी पाल रही हैं। अरे ये वसीम का मुंह ना होता ना अगर, तो मैं तुम्हारी लड़की से कभी अपने लड़के की शादी ना करती। एहसान मानो मेरा, और ये तो वैसे ही पागल है। बस कर दे आपा, बहुत हो गया। आप मुझ पर और मेरी बेटी पे ये शादी का एहसान ना करके हमारी जिंदगियों पे आखिरी एहसान कर दें। वैसे भी मेरी बेटी और शिराज का कोई जोड़ है ही नहीं, और ये बात अपने भाई को भी समझा दें और अपने बेटे को भी। और वैसे भी इस शादी के हक में तो आप हैं ही नहीं। चलो शिराज, देख रहा है क्या क्या बोल के गई है, सुन रहा है तू? कहने दो अम्मी, सब कहने दो इनको, एक बार बस मेरी शादी हो जाए, सारे कस्बल निकाल दूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, अब तो ये सारे कस्बल वसीम आके निकालेगा। मैं सब बताऊंगी कैसे जबान चला के गई है इसकी बीवी मेरे साथ। पानी में है ये, मुझे बातें सुना के गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मारेंगे आप, मुझे मारेंगे। मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा सही तो हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो क्लास ही तोड़ा। कोई बात नहीं मायरा, कुछ नहीं हुआ है, और तुम क्यों डर रही हो? क्लास में कहा से? कोई बात नहीं, ग्लास ही था ना। हुआ तो कुछ भी नहीं, मेरी वजह से पप्पू ने अम्मी को बहुत डांटा। वो अब्बू को भी बताएंगी और वो मुझे डांटेंगे और लड़ाई भी होगी। अब कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स करो। वैसे तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? मैं नहीं गई थी हरीन, पप्पू ने बोला था।
अच्छा चलो खैर हो गई, कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम रिलैक्स करो। वो लोग तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। तुम शराब से शादी मत करना, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है हरीन। मैं नहीं करूंगी उससे शादी, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। पानी पियो, तुम पानी पियो, रिलैक्स करो। कुछ नहीं होगा, बैठो तुम। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, अल्लाह तेरे काम में बरकत दे। रुको, बिजली सुरैया, तू यहां? अंधरा। अच्छा सुन, यही नीचे बैठे रहे, वरना कोई देख लेगा ना तो मसला हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू ये सुरैया, ये कौन सुरैया? सलमान हूं मैं, सुरैया तो कब की मर चुकी है। और ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है, मैंने तो तुझे आवाज से पहचाना। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। अच्छा खाना भी खिलाता हूँ, तू ये पी अभी, ये ले आराम से। मैंने अच्छा नहीं किया गुरु के साथ, मुझे उसी की सजा मिली है। मैं जानती हूँ मुझे क्यों सजा मिली है। मैंने गुरु के साथ, गुरु मेरे माई बाप थे और मैंने उन्हीं का घर उजाड़ दिया। उन्हीं की बदुआ लगी है मुझे इसमें। ये तो होना था बिजली, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे हाथ में आ गए। पैसे? अरे वही पैसे जो मैंने मरियम को बेचकर चूरा टेडी से लिए थे। बस सुरैया, मुझ बदबख्त से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ गलती तो तुझसे हुई है, और इसकी माफी नहीं मिलेगी तुझे। सुरैया से तुम मत बोल, ठीक हालत हो गई मुझ पर, खुदा की लानत बरस रही है मुझ पर। मैंने कहा ठीक है, कोई ठिकाना नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास, रोडों पे सोती हूँ। मार कितनी बदुआ लगी थी मुझे, कितनी लानत बरसेगी मुझ पर। जुर्म तो तेरा बहुत बड़ा है बिजली, गुरु तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, और तेरे गुरु के सामने भी मत आना कभी। तेरे इस काम का जो नतीजा है ना, वो गुरु आज तक भुगत रहे। मुझे तो कशिश ने बताया था कि मरियम वापस आ चुकी है। हाँ ले आया था गुरु, लेकिन किस तरह लाया था मैं तुझे बता नहीं सकता। अब कहाँ है मरियम? डॉक्टर बन गई है हमारी मरियम। हाँ सच्ची? हाँ। अच्छा सुन, तू ना अभी जा यहां से, गुरु आ गए ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। तू एक काम कर,
हाँ ये पैसे पकड़ और कुछ खाना खा लेना। मैं ना तुझे मरियम के अस्पताल का एड्रेस दूंगा, तू वहां जाके अपना इलाज करा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है? अब तू जा, शाबाश। जा, ख्याल रख। तेरी इन बच्चियों का सबका गला फोड़ दूंगा मैं, तमाशा बना के रखा हुआ है? बाप हूं मैं और जो फैसला करूंगा वो आखिरी होगा। सुन रही हो तुम? अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हो सकता है हम बदनसीबों के साथ? और लेकिन मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी, मैं भी जिंदा हूं। क्या फायदा इसी जिंदगी का अम्मी, हम मर क्यों नहीं जाते? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती जो बातें आप मुझे बता रही हैं। कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन आप घबराइएगा नहीं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखें, मुझे कॉल कीजिएगा। मरियम, तुम्हें याद है मैंने तुमसे बिजली का जिक्र किया था? जी सलमान चाचू। देखो कितना अजीब इत्तेफाक है, कल ना इतने सालों बाद उससे मेरी मुलाकात हुई। बेचारी बहुत बुरी हालत में है, बीमार है, एक टांग पूरी खराब हो गई है। पता है उसको ना हमारी जरूरत है। मैंने उसे कुछ पैसे तो दे दिए लेकिन उसका इलाज होना है। जी सलमान चाचू, आप बिजली को मेरे पास भेज। आराम से, मैंने ना उसे तुम्हारे अस्पताल का पता दे दिया, वो आएगी तुम्हारे पास। बस मरियम खुदा के लिए सतार भाई को कुछ ना पता चले। आप फिक्र नहीं करें, मैं निकल रही हूँ। खुदा हाफिज। आराम से। सलमान जी आ रहा हूँ। क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गुरु गुरु उठ के बैठो, एक मिनट में पानी लाता हूं। ये पानी पिया। गुरु आपकी खांसी बढ़ती चली जा रही है, मरियम को बताना ही पड़ेगा। नहीं, मरियम को नहीं बताना कुछ। पानी पिए। मायरा क्या कर रही? उसने क्या करना है अम्मी, उठ गई है, बस डरी सहमी बैठी है। अम्मी क्या हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है? हम अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते, क्या इतने मजबूर हैं हम? हल्ला पूछेगा तुम्हारे अब्बा को। किसी के घर में देर है अंधेर नहीं। अल्लाह से मायूस नहीं हूं अम्मी। बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची। अच्छा सुने अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं डॉक्टर मरियम से मिलना चाहती हूँ। क्यों, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी?
जी जी, तबीयत ठीक है मेरी। मैं बस उनसे बात करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगी। बेटा, हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, कोई यूं किसी के मामले में नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता तुम्हारा ख्याल ठीक है। लेकिन अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप प्लीज इजाजत दे दें मिलने की। हरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी, तबीयत तो ठीक है, मुझे बस आपसे एक जरूरी बात करनी, इनफैक्ट आपकी मदद की जरूरत है। सब ठीक है ना? ठीक है। अच्छा चलो, तुम आओ, हम बात करते हैं, आ जाओ। बैठो। चाय पियोगी? नहीं शुक्रिया, मुझे बस जल्दी वापस जाना है। कहो, क्या बात करना चाहती हो? हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं डॉक्टर। मेरे अब्बू मेरी शादी शराज से करवाना चाहते हैं, और आप तो जानती हैं वो कैसा है। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे अब्बू नहीं मान रहे। डॉक्टर, मैं अब्बू की बात मान लूँ अगर मुझे पता हो कि इसके बाद हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। हमारे अब्बू हमसे बहुत नफरत करते हैं। वो मेरी माँ को रोज डांटते हैं, उन्हें ताने मारते हैं बेटियां पैदा करने पर। हमसे बहुत नफरत करते हैं। और मुझे लगा था कि सिर्फ मेरा ही अब्बा ऐसा था। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं इसमें तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगी। आप कर सकती हैं। आप उन्हें समझाएं, आप मेरे साथ घर आएं, उन्हें बताएं कि बेटियां आप जैसी भी हो सकती हैं। आप भी तो एक बेटी हैं ना, आपके माँ बाप ने भी तो आपको पढ़ाया है, लिखाया है, डॉक्टर बनाया है। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। आपको पता है मेरी दो बड़ी बहनें हैं, एक की अब्बू ने अपनी मर्जी से शादी कर दी, पर वो वहां खुश नहीं है, उसका शौहर उसे मारता है। और एक बहन मायरा, जो बेचारी अब्बू के खौफ से डरी सहमी रहती है, उसकी तो जहनी ग्रोथ भी नहीं हुई। हमारा घर किसी दोजख से कम नहीं है। हरी, यकीन मानो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह मेरा तुम्हारे घर जाके बात करना मुनासिब नहीं होगा। ये तुम्हारे घर का जाती मामला है, तुम अपने बाबा को समझाने की कोशिश करो। उनको बताओ तुम क्या चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तुम्हारी बात समझेंगे वो शायद। मैंने समझाया था पर वो नहीं माने। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने आखिरी बार उनसे बात कब की थी। हाँ, कोशिश जरूर की थी पर वो नहीं माने। मुझे नहीं पता उन्हें बेटियों से इतनी नफरत क्यों है। खैर, आपका शुक्रिया। वैसे मेरी माँ ने कहा था कि कोई किसी की आग में नहीं कूदता, पर मेरा दिल कहता था कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। शायद ये मेरी ख्वाहिश थी। मेरी अंधेरी जिंदगी में आप मुझे एक दिए की तरह लगती थी, पर शायद हमारी जिंदगी में अंधेरा ही लिखा है और मुझे तस्लीम कर लेना चाहिए।